हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो कि बहुत सारे यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, पोस्ट हुआ है रिसेंटली, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो जो रिक्रूटमेंट निकला उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट जो पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के वन पोस्ट है। इसके साथ साथ यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है आपको एम कॉम सी ए आई सी डब्ल्यू ए एम बी ए इन फिनेंस एंड बैंकिंग प्रेफरेंस विल बी गिवेन टू सी ए आई आई बी डी जी डी सी एंड ए। इसके साथ साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए आपको 5 to 7 years के एक्सपीरियंस, सुपरवाइजरी ऑफिसर पोस्ट इन बैंक ऑफ एट लीस्ट 3 years एक्सपीरियंस ऑफ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इन एसेंशियल। कैंडिडेट शुड रीड राइट एंड स्पीक मराठी विथ फ्लुएंसी। एज लिमिट जो है यहाँ पे 40 years तक आप अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम जो एज लिमिट है। इसके साथ साथ यहाँ पे सैलरी बोला गया है जो कि सैलरी इज नेगोटिएबल, कैंडिडेट शुड मेंशन हिज और हर एक्साइटिंग एंड एक्सपेक्टेड सैलरी इन हिज बायोडाटा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक जो कि फीस देना पड़ेगा आपको 1000 रुपीज़। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको किस तरह से एप्लीकेशन करना होगा मैं भी यहाँ पे बता बोल देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑनलाइन इसका जो कि एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको डाउनलोड करना होगा, जिसके लिए मैं नीचे लिंक दे दूंगा। आप लोग वहां से जाके लिंक ओपन करके एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पे जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस में आपको ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है आपको आप भेजना होगा। तो दोस्तों, एड्रेस है आपको, एड्रेस है पोस्ट बॉक्स नंबर 1027 जनरल पोस्ट ऑफिस मुंबई 44000001 ऑन विपोर्ट 6 December 2018। द नेम ऑफ पोस्ट अप्लाई शुड बी सुपरस्क्राइब ऑन द इनवेलप। उसके बाद यहाँ पे है ब्रांच मैनेजर, जिसके लिए आपको डेजिग्नेशन चाहिए ब्रांच मैनेजर 3 पोस्ट और एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके लिए ग्रेजुएशन इन कॉमर्स एंड बैंकिंग इन ऑथोराइज्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए आपको 2 years एक्सपीरियंस ऑफ एनी बैंक ऑफिसर। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एज लिमिट जो कि आपको रहेगा 50 years तक अब अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम सैलरी जो है, मैक्सिमम एज लिमिट जो है 50 years तक। इसके साथ साथ आपको सेम आपको यहाँ पे 1000 रुपीज़ आपको यहाँ पे आपको भरना होगा इस जॉब के लिए अप्लाई करना अगर करते हो तो। दोस्तों, यहाँ पे इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो कि किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है उसको भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह की आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। जब आप डाउनलोड करके प्रिंट करोगे तो इसमें से आपको फर्स्ट आपका फ़ोटो कापी यहाँ पर देना हो अटैच करना होगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते उसको देना होगा। उसके बाद आपका नेम, आप कौन सा कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपको वो देना होगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, एज ऑन 1/3/2018। उसके साथ साथ एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन इन ब्लॉक लेटर। उसके बाद टेलीफोन नंबर और मोबाइल फ़ोन नंबर। उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे आपको देना होगा। आपका नेम, नेम ऑफ डिग्री कौन सा क्वालिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे दे रहे हो। उसके साथ साथ ईयर ऑफ पासिंग, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, क्लास डिविजन एंड इसके साथ साथ यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस जो है आपको यहाँ पे उसका भी डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा। जिसके साथ साथ यहाँ पे आपको नेम ऑफ एम्प्लॉय, जिस एम्प्लॉय के लिए आप काम करते हो उसको यहाँ पे देना होगा। डेजिग्नेशन क्या था आपको यहाँ पे वो देना होगा। कौन सा ईयर से कब या कब तक आप जो कि जॉब किए थे उसका भी डिटेल यहाँ पे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल ग्रॉस सैलरी पर मंथ जो कि यहाँ पे देना होगा। उसके आपका जो मिलता था जो सैलरी, इसको यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके बाद एक्सपेक्टेड ग्रॉस सैलरी जो कि आपको यहाँ पे वो भी लिखना होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको सिग्नेचर एंड डेट एंड प्लेस देके आपको ये फॉर्म जो कि कंप्लीट करना होगा। उसके बाद इस फॉर्म को आपको उस एड्रेस में जाके जो कि आपको सेंड करना होगा या सबमिट करना होगा आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस तरह से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मुंबई में जो कि जो रिसेंटली 2 पोस्ट निकला हुआ है उन दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते
या मेरा जो फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पेज है आप लोग वहाँ से जाके भी मेरे को फॉलो कर सकते। थैंक यू फ्रेंड्स।